हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? एंड आप सभी का स्टडी एज वेल एज प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? क्या प्री बोर्ड या फिर प्रैक्टिकल्स का बर्डन आ रहा है क्या प्यारे बच्चों? यस, अगर आ भी रहा होगा तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों एग्जाम के साथ साथ जो आपका सेल्फ स्टडी है उसके लिए आप लोग अपने टाइम को निकाल सके, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थ्योरी एग्जाम जो 26 अप्रैल से होने वाला है सब्जेक्टिव पैटर्न में, उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्यारे बच्चों, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो क्लास 10th का सोशल साइंस का टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है, किस डेट को होगा वो तो हमें नहीं पता, बट जब भी होगा 26 अप्रैल के बाद, उसमें जो आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ये चारों का जो वेटेज है वो 10-10 मार्क्स का है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और हिस्ट्री में आपको पता होगा एक ही चैप्टर आपके टर्म 2 एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया का चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, और ये थोड़ा लेंदी तो है बट यकीन मानिए डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको नेशनल इन इंडिया वाले चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूं, और यकीन मानिए सब्जेक्टिव पैटर्न के लिए जो आपका आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लिए महाभारत, गीता, कुरान सब कुछ है, क्योंकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से टर्म 2 एग्जाम में पूछा जाएगा। सो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए 17 क्वेश्चन का नेशनलिज्म इन इंडिया से एक PDF प्रिपेयर किया है, सभी पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और यकीन मानिए अगर अब ये 17 क्वेश्चन कर जाते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका 10 मार्क्स, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस PDF के अंदर मैंने मैप वाले क्वेश्चन को भी अटैच कर दिया है। प्यारे बच्चों, 17 क्वेश्चन है और अभी आपके एग्जाम में अराउंड 50 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो आप अगर हर एक दिन एक भी क्वेश्चन कीजिएगा तो भी आपका 17 दिन के अंदर ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर काफी ज्यादा आ जाएगा। प्यारे बच्चों, क्योंकि जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था तो उसमें CBSE क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता था, काफी ज्यादा डेप्थ में जाकर पूछ सकता है, बट सब्जेक्टिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये PDF, ये 17 क्वेश्चन सभी बच्चे हर हाल में लर्न करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। एंड प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा मैंने ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ जो आंसर है, जो CBSE का ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आपको आंसर के लिए इधर उधर भटकना ना पढ़े। और ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी के अंदर आता है, उसके साथ साथ मैंने मैप के क्वेश्चन भी अटैच कर दिया है। सो ये पूरा चैप्टर इस PDF से आप लोग कीजिएगा तो आपका 10 मार्क्स तो फिक्स हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है इसको टेस्ट करने के लिए मैं आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और उसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ रहा होगा कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों कर लिया था? व्हाई डिड महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1922? आपको सिंपल सा आंसर एक दो लाइन में मुझे कमेंट करके बताना है, और जो बच्चे बताएंगे मैं समझ जाऊंगा कि उन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही है। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसमें होमवर्क क्वेश्चन वाले बच्चे को मैं थोड़ा सा प्रायोरिटी देता हूं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, ये PDF का लिंक मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप
एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर कम से कम ये 17 क्वेश्चन तो जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड ये क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सैंपल पेपर का गिव अवे चल रहा है, उसके लिए भी सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। एंड होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।